This is the location where we are capturing still images of बया. बया जो बर्ड है ये घास से अपना नेस्ट बुनती है. इस पे जो दिख रहे हैं ये बया बर्ड के नेस्ट है और ट्राईपॉड लगाकर यहाँ पर शूट हो रहा है. देखिए स्टिल्स का है ना. तो बेसिकली बया पानी नीचे रहे सो पेड़ ही सेलेक्ट करती है. जैसा ये पानी नीचे है और ऊपर ये बनाती है. उसके पीछे रीज़न क्या है कि सांप वगैरह जो है उसके अंडे नहीं खाना चाहिए, तो पानी नीचे रहने से उसकी सिक्योरिटी थोड़ी बढ़ जाती है. तो ये बया बर्ड का एक पैटर्न है और बहुत सुंदर नेस्ट बनाते हैं. मेल नेस्ट बनाता है, फीमेल आकर चेक करती है. अगर उसको पसंद आया तो ही उस पर अंडे देगी और नहीं देगी. तो ये एक पैटर्न होता है बया का. एंड आप देखिए कितना मज़ेदार लग रहा है. ये है देखिए, इसमें बर्ड्स भी आ जा रहे हैं. इसमें आपको नज़र आ रहा होगा ये बर्ड आ रहे हैं जा रहे हैं. ये सारे कुछ कंप्लीट है, कुछ अनकंप्लीट है और कुछ अबंडेंट भी है. तो ये बहुत ही सुंदर. ऐसे फ़ोटोज़ लेते समय शटर स्पीड अगर आप 1000 के ऊपर मेंटेन करते हो तो अच्छा लगता है, क्योंकि फ्लाइंग वगैरह के शॉट्स मिलते हैं, बहुत अच्छे शॉट्स मिलते हैं फ्लाइंग वगैरह के. एकदम उसके पंख शार्प है और ये हवा तेज़ चल रही है तो ये पूरे नेस्ट हिलते रहते हैं. तो आपको शटर स्पीड ज़्यादा रख कर ही लेना पड़ता है. अगेन अगर शटर स्पीड ज़्यादा चाहिए, ISO क्वालिटी के हिसाब से अच्छा चाहिए, तो लेंस पावर ज़्यादा अच्छा हो, ऐसे वाले ही लेंसेस काम में आते हैं. वैसे अभी हम 100-400 से ले रहे हैं. हमारे पास बेसिकली सिनेमाटोग्राफी के हिसाब से हम यहाँ आए थे तो यही लेके चल रहे हैं. और इसमें मैक्सिमम जो पावर है हमको 5.6 मिलता है, लेकिन यहाँ उजाला बहुत अच्छा है इसलिए चल जा रहा है. अगर उजाला ना होता तो शायद इस जगह में हम लोग फंस जाते थे. शटर स्पीड ज़्यादा नहीं हो सकता है. तो ये टेक्निकली एक बेसिक चीज़ है. और अभी मैं इसी पर मेरे कुछ डॉक्यूमेंट्री के लिए सिनेमाटोग्राफी के कुछ शॉट्स लेने वाला हूँ. उसमें बेसिकली क्या होता है, मैं 50 फ्रेम पर सेकंड ले रहा हूँ तो 100 शटर स्पीड हो जाएगा. 180 डिग्रीज़ रख रहा हूँ इसलिए. और 100 शटर स्पीड पे मुझे आराम से 8 या 11 अपर्चर मिल जाएगा 200 ISO पे या 400 ISO पे, क्योंकि मैं S-Log में ले रहा हूँ तो मेरा ISO भी अप रहेगा थोड़ा सा और डायनामिक रेंज ज़्यादा रहेगा. तो ये बहुत सुंदर शॉट्स आने वाले हैं. माहौल भी बहुत सुंदर है. ये घास दिख रहा है, इसी में से पत्तियाँ लेके जा रहे हैं ये और साथ में घर बांध रहे हैं. होप ये वाला इन्फॉर्मेशन आपको काम में आएगा. और देखते हैं कि मैं भी कुछ शॉट्स जो हैं सिनेमाटोग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से लेता हूँ. ये वाला आप लोग ऐसे ही शॉट्स जो है रेगुलर, बहुत सुंदर होता है सारा. इतनी अच्छी आवाज़ आ रही है और एकदम बढ़िया सा हो रहा है. अभी मैं कैमरा बदलूंगा, क्योंकि मैं A7S3 के ऊपर सिनेमाटोग्राफी के शॉट्स ले रहा हूँ. तो मैं S3 के बॉडी बदलूंगा. वो R3 है तो मैं अभी बॉडी बदल के कुछ शॉट्स लूँगा. कंटिन्यू करो सुभाष, इसको पलटा ले. हाँ, यू मी बॉडी सर, बदल देंगे. मिल गया फ्लाइंग, क्या बात है. मेरे उससे अच्छा एक मिला. हाँ, उसमें वो हाँ खींचा हुआ है ऐसा बिग से. ओ, और उसके नीचे एक बैठा है, ऊपर एक बैठा है. हाँ, इसको पकड़ना पड़ेगा. आज मैं कर लूँगा. हाँ, एक एक मिनट. सो अभी मैं डेलिब्रेटली जितना क्लोज जा सकता हूँ जाऊँगा, क्योंकि मेरे को
ये हाइड्रोलिक है मेरा ट्राइपॉड, तो पैन टिल्ट करना हो तो बहुत स्मूथली हो जाता है। वीडियो में बहुत वैल्यू रहता है इस बात का कि आप पैन टिल्ट जो कर रहे हो कैसे कर रहे हो, क्योंकि खाली जगह काफ़ी है। मैंने ट्रैकिंग मोड रखा है, नेस्ट कितना भी हिले कम से कम ट्रैकिंग मोड पे वहीं पर शूट होगा। छोटे छोटे शॉट्स ले रहा हूँ 400 mm पे, एक वाइड ले लेता हूँ ताकि पूरा एस्टेब्लिश हो जाए। माहौल ले लेता हूं एक बार, क्यों ऐसा टेढ़ा क्यों हो रहा है कैमरा। बहुत सुंदर शॉट्स आ रहे हैं, क्लासिक शॉट्स हैं। यहाँ पर आवाज़ कम से कम करना चाहिए क्योंकि बर्ड्स आवाज़ से हलचल से उड़ जाते हैं, और हम लोगों में कोई भी ब्राइट कलर के शर्ट नहीं पहने हैं तो उनको अभी तक हमारा प्रेजेंस का उतना आइडिया नहीं हो सकता है, इसलिए वो आराम से आ रहे जा रहे हैं। तो बहुत सारे नेस्ट में काम चल रहा है। मैं धीरे बात करने के पीछे का रीज़न यही है कि आवाज़ कम से कम करे, और बहुत प्यारा शूट हो रहा है। ये मेरे डॉक्यूमेंट्री के लिए बहुत ज़रूरी शॉट्स थे, तो ये मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है शॉट्स। मैं जो डॉक्यूमेंट्री बना रहा हूँ ये ताड़ोबा में, जो पहले जंगल के अंदर घर थे बहुत सारे लोगों की, इंसानों की बस्ती थी, तो
तो वो लोगों का जो घर है वो पुनर्वासित करके बाहर बसाए। तो ये वाले शॉट्स मेरे इसलिए काम में आएंगे क्योंकि ये भी घर है जो जंगल के अंदर बर्ड्स बना रहे हैं। तो घर एक ऐसी फीलिंग होती है ना, तो ह्यूमन हो या बर्ड्स हो, एनिमल्स हो, सबके लिए। तो ये घर बांधता हुआ देखने का एक सेटिस्फैक्शन भी है, और साथ में जो पुनर्वासित किए हुए घर हैं उसको भी हम कंपेयर करेंगे। तो ये कंपैरिजन के लिए बहुत अच्छा लग रहा है। माने सर बोल रहे कुछ अलग शॉट दिख रहा है, ये वाला शॉट लीजिए, ये जो धागे है ना, हाँ, दूसरी चिड़िया आके निकल जा रही है। क्या बात है, क्या बात है। कौन से धागे आपको दिख रहे हैं? ये हाँ, नीचे का भी एक ऊपर ना, उसका जो टॉप रहता है ना उसको मजबूत कर रहा है, देखो बांधने का क्या मेहनत है इनके पीछे। वाह 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 वाह। तीन जो ओल्ड घर है ना, हाँ, उसमें नीचे भी पक्षी पंछी बैठे हैं ना, हाँ, वो जाके ऊपर से एक धागा निकाल के लेके जा रहा है। अच्छा, मतलब वहाँ वो अबेंडेंट है इसलिए उधर से लेके दूसरे जगह में यूज कर रहे हो लोग। हाँ, खींच के बीच वाले में खींच के लेके जा रहा है वो। आपको वहाँ से प्रॉपर दिख रहा है वो? या आया एक। अच्छा, यहाँ से निकाल के नए के लिए लेके जा रहे हैं लोग। हाँ दूसरा, हाँ मतलब वही। अच्छा, ये वो बयान ही है क्या ये? अच्छा बताओ, इनके पास में भी ये सिस्टम है। बया ने उसको हकाल दिया। अच्छा, क्या बात है। वो जो राइट का बया है ना, हाँ, उसने घर बनाया, उसका ढांचा बनाया, हाँ, वो अभी कॉल करेगा फीमेल को। फीमेल को, हाँ, फीमेल अप्रूव करेगा तो कंप्लीट करेगा, तो अबेंडन कर देगा। अच्छा, मतलब अभी फीमेल आएगी, इंस्पेक्शन करेगी, अगर ये पसंद आया तो कंटिन्यू होगा, अगर पसंद नहीं आया तो जहाँ पर अभी सिचुएशन है उसी जगह में घर छोड़ के नया बांधना स्टार्ट। मतलब फीमेल अंडे देने से पहले ये सब घर बांध के तैयार चाहिए इन लोगों को। कितना सुंदर फीलिंग है ये सारी बातों का। चलो, हो गया सर, बैटरी भी ख़त्म हो गई, फुल ऑन यूज़ कर लिए, बैटरी ख़त्म हो गई है। आखिरी शॉट जो है इट मे बी करप्ट हो सकता है, क्योंकि बैटरी एकदम पूरी ड्रॉप हो गई तो करप्ट भी हो सकती है फाइल, इसलिए मैं बीच बीच में बंद कर रहा था। आखिरी शॉट अराउंड 30-40 सेकंड्स का है, वो करप्ट भी हुआ तो कोई नहीं फ़र्क पड़ता। तो आप भी याद रखना कि अगर बैटरी ख़त्म हो रही है तो आपके शॉट्स कंप्लीट करते जाओ, हो सकता है आखिरी शॉट जो है आपका वो करप्ट हो जाए, क्योंकि ऑल ऑफ सडन वो सेव होने से पहले ही बैटरी ख़त्म हो गई, तो करप्ट हो सकता है, ना भी हो सकता है लेकिन हो सकता है। तो अगर हो गया तो वो शॉट अगर लंबा है और उसमें अच्छी चीज़ें हैं तो जाएंगे। तो यू हैव टू रेगुलरली छोटे छोटे शॉट्स ले लेके बंद करना चाहिए ताकि वो भी नहीं हो। होप आपने भी एंजॉय किया होगा ये बया का शूट। अब नेक्स्ट किसी टॉपिक पे हम मिलते हैं। बाय।